मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र 6 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ने भाजपा समर्थकों के साथ आज नामांकन कराया। इस मौके पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि वे विकास के मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से उन्हें जनता का सहयोग मिलेगा और वे जनता के हितों के लिए कार्य करेंगे। नामांकन करने साथ में आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुरादाबाद बीएसपी द्वारा बड़े मुस्लिम कैंडिडेट उतारने और इससे भाजपा एवं को लाभ पहुंचाने के कांग्रेस द्वारा दिए गए बयान पर बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, बसपा एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और लंबे समय तक यूपी में सरकार चलाने का अनुभव है। जनता ने उन्हें कई बार ये अवसर दिया है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की हताशा है। इस तरह की अनावश्यक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सपा के पारिवारिक बात पर बोले इनकी पृष्ठभूमि परिवादवादी है, इनके जो सगे संबंधी हैं उनके आगे ये बढ़ नहीं पाए। आप देख लो मुलायम सिंह से शुरू होकर आज 30-35 वर्षों में अखिलेश यादव तक पहुंची है। बेचारे शिवपाल जी को भी काम करने का मौका नहीं मिला है। यूपी में भी इस बार 80 पार करने जा रहा है। मुद्दे रहेंगे चुनाव के मुद्दों को लेकर आप जा रही है। जो मुद्दे अभी हमारे अध्यक्ष ने बताए तो वही मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमेशा रहते हैं। किससे मुकाबला रहेगा आपका? मुकाबला किसी से नहीं है। 400 लाख वोट तो जीत हो। कितने वोटों से जीत दर्ज कर? 2 लाख तो जीत होगी। 2 लाख मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बात हमें प्यार करता है, जनता हमारा परिवार है। 5 साल हमने जनता की सेवा की है। हारने के बाद हम एक ऐसे इंसान है कि अपनी लोक समय में हमेशा उपलब्ध रहे, हर एक दुख सुख में काम आए, हर एक की मदद करिए, सहयोग करा। एलिगेशन है, उन्होंने कहा है कि जो बसपा के जो टिकट हुए मुस्लिम जो हुए हैं वो भाजपा और संघ को फायदा पहुंचाने के लिए कहा गया है। जो मुस्लिम जो बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और लंबे समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उन्हें कई बार ये अवसर दिया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की हताशा है इस प्रकार की बयानबाजी करना। लोकतंत्र में सबको अपने एजेंडे के आधार पर, अपने कामकाज के आधार पर जनादेश मांगना, जनता के बीच में जाना उनका अधिकार है और इस प्रकार अनावश्यक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एक परिवारवाद की बात है तो अभी रामपुर से नाम चल रहा है उनके तेज प्रताप जी का, तेज प्रताप यादव का, वहाँ से टिकट की बात आ रही है यादव परिवार की। समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि अगर आप देखोगे तो ये लोग परिवारवादी लोग हैं और परिवार में भी अपने जो घर के इनके नज़दीक सगे संबंधी हैं उससे ये आगे बढ़ नहीं पाए। अब अगर आप देखेंगे मुलायम सिंह जी से शुरू होकर समाजवादी पार्टी आज लगभग 30-35 वर्षों में अखिलेश जी तक पहुंची। बेचारे शिवपाल जी को भी अवसर इस रूप में काम करने का नहीं मिला, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है और मुझे विश्वास है कि हमारा जो काम है, हमारी सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों में काम किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाने का, पूरा प्रदेश विकसित भारत संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश भी अब की बार 80 पार करेगा। आज नॉमिनेशन का पहला दिन है, आप नॉमिनेशन हुआ है, क्या लगता है पूरे यूपी में 80 में से कितना जाएगी? इस प्रकार की परिस्थिति है और हमारा बिल्कुल स्पष्ट संकल्प है, हमारा मत है कि हम अपने काम काज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में। सरकार ने 10 वर्षों में जो काम किए, विकास के काम किए और दुनिया में जिस प्रकार से भारत की प्रतिष्ठा, मान सम्मान और हमारी सरकार ने आस्था और परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस आधार पर उस काम को लेकर हम जनता के बीच में।